हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बनने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो यूट्यूब पर बहुत ही कम लोगों ने बताया है। मैंने काफ़ी सर्च किया इसके बारे में, बहुत ही कम लोगों ने बताया है वो। तो इस टॉपिक पर मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो, और स्टार्ट करके बता देता हूँ सबसे पहले टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों टॉपिक है कि कॉलेब वीडियो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कोलेब्रेशन करना सब जानते हैं कि एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन वो वीडियो बनता कैसे है ये किसी ने नहीं बताया। क्योंकि जो नए यूट्यूबर्स होते हैं उनको नहीं पता कि कोलेब है क्या, कैसे हम वीडियो जनरेट कर सकते हैं इसके ऊपर, किस तरह से वीडियो बनकर जो जनरेट होता है इसके बारे में किसी ने हमें नहीं बताया है। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह से कोलेब वीडियो बनता है, पूरी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा जाएगा, समझ कर जाएगा, केवल समझा कर ही आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप ऑनलाइन न्यू डेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करते ही पास में एक छोटा सा प्यारा सा बेल यानी घंटी का उसको दबाना ना भूलें, जिससे दोस्तों हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सूचना मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कोलेब्रेशन होती क्या है, कोलेब होता क्या है। अब एक्चुअली सीधी सीधी सिंपल भाषा में लैंग्वेज में समझना चाहिए तो मैं ज़्यादा आपको नहीं समझाते हुए एक सीधी बात ही बता देता हूँ कि एक यूट्यूबर से या दूसरे यूट्यूबर से, देखिए यूट्यूबर से नहीं, यहाँ पर यूट्यूब की बात चल रही है तो मैं यूट्यूब के बारे में लेकर बेस चल रहा हूँ। तो एक यूट्यूबर से दूसरे यूट्यूब के अंदर मान लीजिए एक यूट्यूबर है, दूसरे यूट्यूब से आप उसे क्वेश्चन वगैरह करते हैं, उसको जो है कुछ पूछते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ चैट करते हैं, उसके चैनल पर जाकर वीडियो डलती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो छोटा चैनल होता है वो बड़े चैनल वाले से, थोड़ी अपने से बड़े चैनल वाले से कुछ क्वेश्चंस करता है, और वो जो वीडियो बनता है वो छोटे चैनल वालों पर डल जाता है, जिससे क्या होता है कि दोनों के ही चैनल प्रमोटिंग हो जाते हैं थोड़े बहुत। और मतलब इसकी जो छोटे वाले चैनल की ऑडियंस थी वो तो बड़े वाले के पास ले जाती है, और जो बड़े वाला जो अपने बताता है उस कोलैब के बारे में कि बड़ा चैनल वाला छोटे चैनल पर आया है, तो उसकी जो बड़े वाले की जो ऑडियंस है, जो सब्सक्राइबर्स वगैरह है, वो छोटे वाले पर आ जाते हैं। इस तरह से ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, होता है क्या कि ये कोलैब वीडियो तैयार होता है। तो आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स की देखे होंगे कि उसने इसके साथ कोलैब किया, इसके साथ बातचीत की, कुछ तो आप कर ही कर लेते हैं क्या, लेकिन कुछ है कि पहला मैंने क्वेश्चन पूछा कि हेलो आप कैसे हो, उसके बाद में वो नेक्स्ट रिप्लाई देता है, तो वो वीडियो किस तरह से जनरेट होती है, किस तरह से बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कोलैब करने के लिए आपको करना क्या होता है वो मैं बताता हूँ। कोलैब करने के लिए आपको जो है सबसे पहले या तो उसके अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से ईमेल कर दीजिए कि मैं आपके साथ कोलैब करना चाहता हूँ। दोनों जो है यूट्यूबर्स को राजी होना पड़ता है इसके लिए। सबसे पहले ईमेल कर दीजिए, ईमेल नहीं तो आप कमेंट कर दीजिए वहाँ से, आप नंबर वगैरह लेके उसको उससे किसी भी तरह से उसको जो है कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए, उससे बात करने की कोशिश कीजिए, या फिर ईमेल के थ्रू कर दीजिए। यदि वो राजी होगा तो आपको कॉन्टैक्ट करेगा, आपसे बात करेगा और वो जो है कोलैब करेगा। लेकिन सबसे पहले कोलैब में एक बात ध्यान रखने की है कि आप अपने से लगभग बराबर वाले, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा वो यूट्यूबर, आप ज़्यादा छोटे होंगे तो वैसे भी वो नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसको उससे आपसे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आपको छोटे वाले को तो मिल जाएगा बेनिफिट, बड़े वाले को नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों लगभग आपके बराबर हो या थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो चलता है, लेकिन आप जैसे आपके 300 सब्सक्राइबर है, आपने सीधे जाकर 5,000 या 10-20,000 वाले सब्सक्राइबर्स से जो है कोलैब के लिए, ऐसे नहीं चलता है। तो ये एक तरीका होता है कोलैब करने का। अब एक्चुअली आपको वो वीडियो बनता कैसे है, आप कैसे कॉन्टैक्ट के लिए, अब आपको एक वीडियो क्लिप बनानी है एक क्वेश्चन के अलग। आपने पहला क्वेश्चन पूछा कैसे हो, दूसरा क्वेश्चन लगा कहाँ से रहती हूँ, तीसरा क्वेश्चन आपने जो भी पूछा हो, लगातार 3 क्वेश्चन के या 5 क्वेश्चन के आपने एक वीडियो जनरेट कर ली, बना ली, तैयार कर ली, रेडी कर ली। अब उसके बाद में क्या होगा कि नेक्स्ट यूट्यूबर आएगा, जो बड़ा वाला यूट्यूबर जो वो आपके सवालों के जवाब देगा, तो वो जवाब ही एक अलग से वीडियो बनेगी, वो बनाएगा उस वीडियो को, चाहे आप कर लो चाहे वो कर लो, दोनों को इस तरह से एडिट किया जाता है। अब एक्चुअली पहला क्वेश्चन आएगा आप कैसे हो, तो सबसे पहले उसका बना हुआ जवाब उसके बाद में चलता है, वो कट हो जाता है, और कट होकर उसके बाद में बना हुआ जवाब चलता है, एक तैयार हो कैसे हो मैं अच्छा हूँ बन गया। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल कहाँ से हो, वो बताता है मैं इस गाँव से हूँ या इस विलेज से हूँ, तो वो दूसरा जवाब उसका आपका दूसरा क्वेश्चन उसका दूसरा जवाब वहाँ से कट होता है, उसका वीडियो में से एक क्लिप कट होगा, एक क्लिप आपकी वीडियो में से कट होगा, एक क्लिप उसके में से कट होगा, तीसरा चौथा पांचवा से करके सारे सवाल जनरेट हो जाते हैं, और उनके बीच में उनको एडिट करके एक ऐसा वीडियो तैयार किया जाता है जिसे कोलैब वीडियो करते बोलते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को मैं इसलिए लेकर आऊँ क्योंकि काफ़ी सर्च, जब मैंने अधिक भाई के साथ कोलैब किया था तो कोलैब के बारे में मुझे पता नहीं था यार कैसे करें, किस तरह से करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली उस समय अधिक भाई ने मुझे इसके बारे में बताया था, और हमने सोचा भी था कि वीडियो बना पाए, साथ अधिक भाई को मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट भी है किस तरह से बना लेते हो, जैसे वीडियो किस तरह के बनते हैं यूट्यूब पर, काफ़ी मिलते भी नहीं, कोशिश करते हैं फिर भी कोलैबोरेशन वीडियो उनको नहीं मिलती थी। आप एक्चुअली हाउ टू क्रिएट कोलैबोरेशन वीडियो, वीडियो बनता कैसे है, ये किस तरह से हम पूरी स्टेप बाय स्टेप में सीख सकते हैं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत लोगों ने पूछा था, और यूट्यूब पर आपको मिलने भी वाली नहीं है, कोई एक दो वीडियो मुश्किल से आपको मिल जाए वरना नहीं मिलने वाली है।
तो दोस्तों इस वीडियो में एक छोटी सी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया है कि कॉलेज वीडियो कैसे बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा हो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मैं संदीप आपसे फिर मुलाकात करूंगा नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।